Hello students, this is your English teacher Anuradha Dubey once again before you with another much awaited video, and this is the latest syllabus prescribed by CBSE for class 11th English. In wake of corona pandemic, lots of changes have been occurring in almost all the spheres. और तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बच्चों की एजुकेशन जो है, बच्चों का एकेडमिक जो है, वो इससे अनअफेक्टेड रह जाए। और जैसे कि आपको पता है, पिछले कई समय से हम लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, जिसमें से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का हैम्पर होना जो है वो बहुत ही ज्यादा पॉसिबल है और बहुत ही प्रोन टू है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई ने बहुत सारा सिलेबस जो है वो रिड्यूस किया है, कर्टेल किया है, कुछ टॉपिक्स भी हटाए हैं, कुछ चैप्टर्स भी हटाए हैं, ठीक है। और कुछ जो पेपर पैटर्न था आपको बहुत ही उसको सिंप्लीफाई भी किया है। तो अब इस नए सिलेबस के अकॉर्डिंग पहले क्या होता था, जो 11th क्लास का क्वेश्चन पेपर हुआ करता था वो चार पार्ट्स में डिवाइड हुआ करता था। फर्स्ट यूज्ड टू बी रीडिंग सेक्शन, जिसमें आपका एक कॉम्प्रिहेंशन हुआ करता था और एक नोट मेकिंग का क्वेश्चन हुआ करता था। लेकिन अब क्या है, सेकेंड जो सेक्शन बी, वो एडवांस राइटिंग स्किल हुआ करता था। पहली बार जो है बी और सी को मिला के ग्रामर और राइटिंग सेक्शन को एक ही कर लिया जाता था। ग्रामर और राइटिंग सेक्शन अलग अलग भी हो सकते थे और उसके बाद आपका लिटरेचर होता था। अब जो नया करिकुलम आया है, ये जो नया आपका सिलेबस आया है, इसके अकॉर्डिंग जो आपका पेपर है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होगा, दैट इज पार्ट ए एंड पार्ट बी। So the weightage of part A will be 40 marks. तो ये पहला पार्ट जो है आपका, इसका वेटेज जो होगा वो 40 marks होगा। तो अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो 40 marks में होगा वो होगा रीडिंग स्किल्स को इवेल्युएट करने के लिए, जिसका वेटेज 18 marks होगा। तो ये कैसे होगा, सबसे पहले एक टेक्स्ट दिया होगा आपको, एक पैसेज दिया होगा, ठीक है, और उसमें से आपको 10 MCQs मिलेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, एंड यू विल बी सपोज टू कॉम्प्रिहेंड द पैसेज एंड सिलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन आउट ऑफ दोस 4 गिवन चॉइसेस, और इस तरीके से आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। ये जो क्वेश्चंस हैं ये वोकैबुलरी पे बेस्ड हो सकते हैं, आपके अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड हो सकते हैं, रिलेवेंस पे बेस्ड हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगेन आपका दूसरा जो क्वेश्चन होगा ये फिर से एक कॉम्प्रिहेंशन होगा, लेकिन इस बार ये जो पैसेज होगा ये केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज होगा। दैट मीन्स आपको एक वर्बल इनपुट मिलेगा, ये जो वर्बल इनपुट होगा ये स्टैटिस्टिकल डेटा हो सकता है, आपका कोई चार्ट हो सकता है, जिसको आपको एनालाइज करना होगा, अंडरस्टैंड करना होगा, एंड आफ्टर दैट यू विल हैव सर्टेन क्वेश्चंस and you will be supposed to answer those questions on basis of your understanding of that data, और उसके बाद आपको ये 8 marks के question जो है वो मिलेंगे, ठीक। इसके बाद है आपका grammar section, जिसमें आपको 8 marks के questions होंगे। The first will be MCQs or gap filling questions based on determiners or tenses, यानी दो chapters जो है वो आपको detail में करने हैं, डिटर्मिनल का और टेंसेस का, जिन पर बेस्ड आपको ये दो तरीके के एक्सरसाइजेस मिलेंगे। ये कैन बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या ये गैप फिलिंग के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, जहां आपको कुछ वर्बल इनपुट दिया हो और बाकी जो हो मिसिंग हो, और आपको अपने इन रीडिंग के हिसाब से आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है इन टॉपिक्स की, इनके बेसिस पर आपको उसे फुलफिल करना पड़ेगा, कंप्लीट करना पड़ेगा, और ये यहाँ पर इसकी वेटेज जो है वो 4 marks। Let's move on to the next question. So this is again the MCQs based on reordering or transformation of the sentences. ये reordering का भी जो है वो previously भी question आया करता था, लेकिन अब जो ये reordering होगी ये MCQs के form में आएगी। पहले आपको as is उसको सॉल्व करके अपनी तरफ से पूरा सेंटेंस लिखना पड़ता था, अभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा और आपको सिर्फ उसमें से करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो टिक करना होगा, उसे फाइंड आउट करना होगा। सेम इसी हिसाब से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस, एक्टिव फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करिए, कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करिए, सिंपल से
क्या कहते हैं मिक्स्ड सेंटेंस में कन्वर्ट करिए, इस तरीके से एफर्मेटिव से नेगेटिव में करिए, डिक्लेरेटिव से ऑपरेटिव में करिए, इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के बेस्ड पर भी आपको एक एमसीक्यू एक्सरसाइज मिलेगी जिसकी वैल्यू अगेन 4 मार्क्स होगी और आप ये क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद है लिटरेचर सेक्शन जो 14 मार्क्स इसकी वैल्यू होगी। फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो एमसीक्यू होगा और ये एमसीक्यू जो होंगे ये बेस्ड होंगे आपके पोएट्री से। ये जो पोएम्स का पोर्शन है ये कोई सेपरेट नहीं है, इट दे आर वेरी मच गिवन इन योर टेक्स्ट बुक रीडर बुक दैट इज द हॉर्नबिल, जिसमें आपको बीच में कुछ पोएम्स जो है वो अवेलेबल रहेंगे। उन्हीं आपकी जो पोएम्स जो आपकी रीड पोएम्स हैं उन पर बेस्ड आपको एक स्टेंजा दिया होगा, कुछ लाइंस दी होंगी, ठीक है, जिन पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे और उन क्वेश्चन के कुछ पॉसिबल मल्टीपल चॉइसेस होंगे जिनमें से आपको करेक्ट चॉइस को ऑप्ट करना होगा। और इस तरीके से ये 3 क्वेश्चंस करने होंगे और इसकी वैल्यू है 3 मार्क्स। देन एमसीक्यूज बेस्ड ऑन 2 प्रोज एक्सट्रैक्ट्स, ऑब्वियसली दीज 2 प्रोज एक्सट्रैक्ट्स विल बी फ्रॉम योर बोथ बुक्स। जैसा कि आपको पता है 11th क्लास में 2 बुक्स आपकी होंगी, हॉर्नबिल दैट इज द टेक्स्ट बुक रीडर और जो सेकेंड है वो है आपकी सप्लीमेंट्री रीडर। तो सप्लीमेंट्री और टेक्स्ट ये है फ्लेमिंगो और स्नैपशॉट्स, दोनों से ही आपको एक एक पैसेज मिलेगा जिससे फॉलो करते हुए कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जिनके मल्टीपल चॉइसेस रहेंगे और आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करना होगा। तो इसकी वैल्यू है आपकी 6 मार्क्स। लास्ट जो है वो है आपका टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस जो कि एमसीक्यूज भी होंगे या हो सकता है ये 1 मार्क्स क्वेश्चन हो। आपने जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं आपको उन चैप्टर्स के अंडरस्टैंडिंग कितनी हुई है, कितना आपने उन चैप्टर्स को समझा है, कितना आप रेफरेंशियल हो सकते हैं अपने जो पढ़े हुए जो टेक्स्ट है उन पे उनसे कितने रेफरेंशियल हो सकते हैं, उनसे कितने रेफरेंसेस ले सकते हैं, इस चीज को इवेल्युएट करने के लिए ये आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे जो मल्टीपल चॉइस भी हो सकते हैं या हो सकता है 1 वर्ड में आंसर आपसे पूछा जाए या 1 लाइन में पूछा जाए। और इस तरीके से ये भी आपको 6 या 7 क्वेश्चंस आएंगे जिनमें से आपको 5 करने होंगे और वैल्यू जो है इसकी वो 5 मार्क्स हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं 10 मार्क्स कॉम्प्रहेंशन, 8 मार्क्स इस फैक्ट बेस्ड कॉम्प्रहेंशन तो 18 हो गया, फिर गैप फिलिंग और एमसीक्यूज का 4 मार्क्स और उसके बाद एमसीक्यूज रीऑर्डरिंग और ट्रांसफॉर्मेशन का 4 मार्क्स यानी 8 मार्क्स और उसके बाद लिटरेचर से एमसीक्यूज पोएट्री के 3 मार्क्स, एमसीक्यूज प्रोज एक्सट्रैक्ट्स के 6 मार्क्स और टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस के 5 मार्क्स। तो टोटल मिला के आपके होंगे 40 मार्क्स, यानी कि पार्ट ए जो है इसकी टोटल वैल्यू जो है वो है 40 मार्क्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू पार्ट बी। द वैल्यू ऑफ दिस पार्ट बी इज अगेन 40 मार्क्स। तो देखते हैं कि 40 मार्क्स कैसे आपको मिलने वाले हैं। तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन होगा वो होगा रीडिंग सेक्शन में द क्वेश्चन ऑफ नोट मेकिंग और ये जो नोट मेकिंग क्वेश्चन है इसकी वैल्यू जो होगी वो 8 मार्क्स की होगी। तो नोट्स मेकिंग में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है नोट मेकिंग वाला पार्ट और दूसरा होता है समराइजेशन का पार्ट। तो नोट मेकिंग वाले पार्ट की वैल्यू होगी 5 मार्क्स जिसमें 1 मार्क्स आपका टाइटल का होगा, 3 मार्क्स आपके नोट्स के होंगे और 1 मार्क्स आपके एब्रिविएशन के होंगे। तो इस तरीके से ये जो नोट मेकिंग का फर्स्ट पार्ट हो गया नोट मेकिंग, ठीक है, इसका आपको 5 मार्क्स मिलेंगे और समरी की वैल्यू जो होगी वो 3 मार्क्स होगी जिसमें से 2 मार्क्स आपके कंटेंट के रहेंगे और 1 मार्क्स जो है वो एक्सप्रेशन के रहेंगे। इसके बाद दूसरा सेक्शन है राइटिंग सेक्शन जिसकी वैल्यू 16 मार्क्स है। इस राइटिंग सेक्शन में जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा दैट इज द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ योर पेपर ऑफ पार्ट बी, ये पहला होगा नोटिस राइटिंग का क्वेश्चन और ये नोटिस राइटिंग का क्वेश्चन जो होगा इसकी वैल्यू 3 मार्क्स की होगी जिसमें आपको 1 मार्क्स विल बी फॉर फॉर्मेट, 1 विल बी फॉर कंटेंट एंड 1 विल बी फॉर एक्सप्रेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इट विल बी पोस्टर डिजाइनिंग एंड पोस्टर ड्राफ्टिंग और ये जो क्वेश्चन होगा ये अगेन 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा और इसकी जो वैल्यू होगी वो अगेन उसी तरीके से इसका बाइफर्केशन होगा, 1 मार्क्स विल बी फॉर फॉर्मेट, 1 विल बी फॉर कंटेंट एंड 1 विल बी फॉर एक्सप्रेशन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी लेटर राइटिंग,
यू विल बी गिवन सम वर्बल इनपुट जिस पर बेस्ड आपको कुछ लेटर्स जो है वो ड्राफ्ट करने पड़ेंगे। ये जो लेटर्स होंगे ये बिजनेस लेटर हो सकते हैं या ऑफिशियल लेटर हो सकते हैं। ऑफिशियल लेटर के अलावा ये जो लेटर्स हैं ये किसी एकेडमिक इशू से रिलेटेड हो सकते हैं, एडमिशन के प्रॉब्लम से रिलेटेड हो सकते हैं, कोर्स ऑफरिंग को चेक करने के लिए हो सकते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट का जो अलॉटमेंट का इशू है उसको करने के लिए आप किसी इंस्टीट्यूशन को लिख सकते हैं, किसी स्कूल को लिख सकते हैं। तो जो भी होगा वो आपको वर्बल इनपुट में दिया होगा और उसी हिसाब से आपको ये लेटर राइटिंग का क्वेश्चन करना पड़ेगा। इसकी वेटेज जो है वो 5 मार्क्स है, जहां पर आपको 1 मार्क्स विल बी फॉर फॉर्मेट, 2 will be for content and 2 will be for expression. Now the question 5 will be for long composition. और यहाँ long composition में दो चीजें आपको मिलेंगी, that will be speech and debate. That means you will be given some verbal input जिस पर based आपको उस input को समझ के और उससे idea लगाते हुए आपको या तो कोई speech craft करनी होगी या उस दिए हुए टॉपिक पर आपको कोई डिबेट फॉर्म करनी होगी, आइदर इन फेवर और अगेंस्ट। और इसकी वैल्यू अगेन 5 मार्क्स की होगी, जिसमें से 1 मार्क्स विल बी फॉर फॉर्मेट, 2 will be for content and 2 marks विल बी फॉर एक्सप्रेशन। नाउ द लास्ट पार्ट दैट इज द लिटरेचर फॉर 16 मार्क्स, जिसमें आपको 2 short answer type क्वेश्चंस करने होंगे हॉर्नबिल से। आपके 2 बुक्स होंगी, फर्स्ट विल बी हॉर्नबिल जो आपकी रीडर बुक होगी और सेकंड जो होगी वो होगी सप्लीमेंट्री टेक्स्ट बुक, ठीक है। तो जो पहली बुक है आपकी हॉर्नबिल, उसमें जो चैप्टर्स आप पढ़ेंगे उन चैप्टर्स पर बेस्ड आपको 2 क्वेश्चंस करने होंगे। हो सकता है 3 या 4 क्वेश्चंस आए जिनमें आपको चॉइस मिलेगी और आप किन्हीं भी 2 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। हर क्वेश्चन की वैल्यू 2 मार्क्स होगी, 1 मार्क्स विल बी फॉर फॉर्मेट, सॉरी 1 मार्क्स विल बी फॉर कंटेंट एंड 1 विल बी फॉर एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये दो, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, यानी टोटल वेटेज होगी इस क्वेश्चन की 4 मार्क्स। नेक्स्ट जो है वो आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको करना होगा स्नैपशॉट से, यानी कि सप्लीमेंट्री रीडर बुक से, ठीक। तो यहाँ पर भी आपको चॉइस मिलेगी, 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे जिनमें से आपको एक करना होगा। यहाँ अगेन इस क्वेश्चन की वैल्यू जो है वो 2 मार्क्स होगी और इन 2 मार्क्स में से 1 will be for content and 1 will be for expression। इसके बाद है सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आपका, 1 long answer type question फ्रॉम हॉर्नबिल एंड द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑब्वियसली यू विल बी गिविन 2 questions एंड आउट ऑफ विच यू आर सपोज टू अटेम्प्ट एनी वन। तो जो आपको समझ में आ रहा होगा वो एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे। इस क्वेश्चन की वैल्यू भी 5 मार्क्स होगी, जिसमें से ऑब्वियसली 2.5 विल बी फॉर कंटेंट एंड 2.5 विल बी फॉर एक्सप्रेशन। एंड द लास्ट क्वेश्चन विल बी 1 long answer type question फ्रॉम स्नैपशॉट, यानी सप्लीमेंट्री के बुक से। अगेन यू विल बी गिविन 2 questions और जिनमें से आपको अपने हिसाब से जो आपको आता है, जो अच्छे से आता है उस हिसाब से उस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करेंगे। और इनमें इसकी वैल्यू जो होगी वो अगेन 5 मार्क्स होगी, 2.5 फॉर कंटेंट एंड 2.5 फॉर कॉम्प्रहेंशन। इसके बाद मैं आपको रिमाइंड करा देती हूँ कि कुछ चैप्टर्स भी रिड्यूस हुए हैं, रिमूव हुए हैं आपके सिलेबस से, और ये चैप्टर्स जो हैं वो इस तरीके से हैं। तो जो पहली बुक है आपकी हॉर्नबिल, इसमें से जो चैप्टर्स रिड्यूस हुए हैं वो है द एडवेंचर एंड द पोएम फादर टू सन। तो इस तरीके से 2 चैप्टर्स जो है वो डिलीट हो गए आपके हॉर्नबिल से, द एडवेंचर और फादर टू सन। इसके बाद दूसरी बुक जो आपकी है सप्लीमेंट्री, यानी कि स्नैपशॉट, यहाँ से भी 2 चैप्टर्स आपके डिलीट हुए हैं। इन डिलीटेड चैप्टर्स के नाम है द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड, और जो लास्ट चैप्टर आपका है जो कि एक वर्स टेल है आपकी, ठीक है, जिसका नाम है द टेल ऑफ द मैलन सिटी। तो टोटल मिला के आपके सारे सिलेबस में से 4 चैप्टर्स जो है वो डिलीट हुए हैं। बाकी जो टॉपिक्स डिलीट हुए हैं मैंने साथ में कवर किए हुए हैं। आशा है आपको समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक।